हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब भी आप उदास हो या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा हो, उस वक्त आप एक पेपर पर अपनी सारी प्रॉब्लम लिख लें और उसे कूड़ेदान में फेंक दें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात साइकोलॉजी बोल रही है और साइकोलॉजी ने इस बात को प्रूव भी किया है। आप 1 घंटे पढ़ें या फिर 10 घंटे या फिर ना पढ़ें, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे बाद में केवल आपको ही फ़र्क पड़ेगा। किसी दूसरे को दिखाने के लिए ना पढ़ें। पढ़ाई से आपका भविष्य ही बनेगा और आपका भविष्य ही बिगड़ेगा। तो इसलिए सोच लें कि पढ़ना है या सिर्फ मजले में है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक लड़की जिसे पोलियो था, डॉक्टर ने कहा तुम कभी दौड़ नहीं सकोगी। उसकी माँ ने कहा एक दिन तुम ज़रूर दौड़ पाओगी। लड़की ने डॉक्टर की बात पर यकीन न करके अपनी माँ की बात पर यकीन किया और आज इस लड़की का नाम बिल्मका रोडोल्फ है, जो 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। जीवन में यदि कोई चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। ख्वाब बड़े होने चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पहला टीवी सीरियल कौन सा था? आइए हम बताते हैं। भारत का सबसे पहला टीवी सीरियल हम लोग, यह धारावाहिक है जो 7 जुलाई 1984 को भारत के राष्ट्रीय नेटवर्क दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू हुआ था, जो उस समय भारत का एकमात्र टेलीविजन चैनल था। ये 80 के दशक में एक भारतीय मध्यम वर्ग के परिवार और उसके दैनिक संघर्षों और आकांक्षाओं की कहानी है। ये धारावाहिक आप जरूर देखना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि जगदीश राज सबसे ज़्यादा 144 फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता थे? और आइए आगे बढ़ते हैं। आपने रविवार तो सुना ही होगा कि रविवार को सब जगह छुट्टी होती है। क्या आपको पता है कि इंडिया में इस छुट्टी की शुरुआत कब हुई और किसने की? श्री नारायण मेघाजी लोखंडे ने अंग्रेजों के सामने रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के रूप में घोषित करने का दबाव बनाया था। उनके